मैं इस वीडियो को, इस पार्ट को स्टार्टिंग में डाल रहा हूँ वीडियो के, इसलिए क्योंकि मैं पहले ही बता देता हूँ कि पूरी फुल मोटो ब्लॉगिंग है। आपको बनारस देखने को मिलेगा, बनारस के कुछ हिस्से, नदेसर, कैंटोनमेंट, कैंटोनमेंट्स के होटल्स बाहर बाहर से, और जो है उसी में कुछ मैंने बातें की हैं। तो अगर आप ये सब देखने में इंटरेस्टेड हो, आपको मोटो ब्लॉग्स अच्छे लगते हो, तो आप कंटिन्यू करें, वरना आप इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं। और मैं जल्दी ही अगली कोई वीडियो डालूंगा जो कि आपको पसंद आएगी, तो चैनल पे बने रहें। हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल दिल रोहित पांडे में। और आज हम बस ऐसे ही निकले हैं बनारस की सैर पे। सैर पे मतलब इन द सेंस काम है, मम्मी की दवाई लेनी है, एक लोग का निवास प्रमाण पत्र बनने के लिए देना है, तो यही सब काम है। तो आपको दिखा देते हैं बनारस की सड़कों के कुछ नज़ारे जब चल ही रहे हैं, तो क्योंकि हो सकता है आप लोग घर से बाहर ना निकल रहे हो, तो घर बैठे ही बाहर के नज़ारे आप यहाँ ले सकते हैं बनारस के। प्लस अब चलते हैं आगे का काम करते हैं। ये ऑडी Q7 आगे जा रही है, दिल्ली का नंबर है, बहुत ही बेहतरीन गाड़ी है और बहुत ही बेहतरीन पैसे में भी आती है, और बहुत कम उम्र का लड़का इसको चला भी रहा है। किस्मत, कोई इस उम्र में स्कूटी चलाता है, कोई इस उम्र में ऑडी चलाता है, बट मेहनत के आगे किस्मत झुक सकती है। बच्चों मेहनत करो, आगे बढ़ो। और मास्क मेरा यार गिर जाएगा लग रहा है, चलो एक ही कान में लटका रहने दो, जब उतरेंगे तो उसको सेट कर लेंगे। अभी तो फिलहाल हम लोग पहुंच रहे हैं भोजबीर। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, किस्मत ज़्यादा बड़ी चीज़ है कि मेहनत ज़्यादा बड़ी चीज़ है? मेरे हिसाब से दोनों का 70-30 का रेशियो है। 70% अगर आप मेहनत करते हैं और 30% आपका लक साथ दे जाता है, तो 100% आप कामयाब हो जाते हैं। आप लोगों का क्या सोचना है आप लोग कमेंट में बता सकते हैं। और अभी स्कूटी से चल रहा हूँ, क्या पता कुछ सालों बाद ऑडी भी हो जाए। आप लोग भी कह रहे होंगे क्या फेंक रहा है, लेकिन कहने में क्या जाता है यार, क्या पता हो ही जाए। तब मैं एक वीडियो बनाऊंगा कि जब मैं स्कूटी से चलता था, देखिए तब मैंने ये बात कही थी कि मैं भी ऑडी से चल सकता हूँ। बाकी ऑडी वगैरह बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, चलने को चल सकते हैं, अगर सिर्फ यही ठान लें कि ऑडी से ही चलना है तो। लेकिन और भी चीज़ें होती हैं हम कॉमन मैंस के लाइफ में। अरे भैया रास्ता दे दो। और ये आ गया सब्जी मंडी है, मतलब अभी तो सब्जियाँ कम बिकती हैं, लेकिन पहले यहाँ बहुत ढेर सारी सब्जियों की दुकान रोड पे लग जाती थी। आधी रोड तो सब्जी की दुकान वाले घेर लेते थे और बची आधी उसको खरीदने वाले, आने जाने वालों के लिए बहुत कम जगह बचता था। और यहाँ मास्क लगाना बहुत ज़रूरी है। वैसे मैंने हेलमेट लगा रखा है और मास्क मेरा गले में लटक गया है, क्योंकि वो कान पे मैं लगाना भूल गया और कान से वो सरक के नीचे आ गया। अब ये आगे जाएगा महावीर मंदिर। महावीर मंदिर संकट मोचन मंदिर है एक बनारस में हनुमान जी का, उसके बाद सेकंड नंबर पर हनुमान जी का सबसे प्रसिद्ध मुख्य मंदिर महावीर मंदिर है। संकट मोचन मेन सिटी में ये इधर है, तो इधर के लोगों को भी भगवान हनुमान की कृपा मिल जाती है। यही वो अस्पताल है, लेकिन आज तो ये बंद है, आज तो ये बंद है। चलो कोई नहीं, कल आके ले लेंगे दवा। दवा और दुआ दोनों चलती है भैया, लेकिन लोग दवा और दारू को जोड़ देते हैं। वैसे दारू बहुत काम आ रही है लॉकडाउन में, ऐसा सुने हैं कि जो जो ड्रिंक करता है रेगुलर उसको कोई समस्या नहीं आ रही कोरोना वाली। एक डॉक्टर का वीडियो था, उसमें भी वो बोल रहा था कि फॉर्चून वाला पॉजिटिव पाया गया, जो है सब्जी वाला पॉजिटिव पाया गया, रिक्शे वाला पॉजिटिव। यही है महावीर मंदिर, जय बजरंग बली, तोड़ दे सबकी नली। और ये देखिए यहाँ पर सीमेंटेड रोड बन रही है, काफ़ी बेहतरीन रोड यहाँ बना रहे हैं लोग। और हाँ मैं क्या कह रहा था कि मैं कुछ शराबियों की बात कर रहा था यार, भूल गया। चलो कोई नहीं, भूल गया तो आगे बढ़ते हैं, जो छूट जाए उसको छोड़ दो, आगे बढ़ो।
सिद्धार्थ, क्या भाई, क्या हाल चाल है? बढ़िया है। चलो ठीक है तब, बाय बाय। तुम रिकॉर्डिंग हो रहा, बाय बाय करो अब तुम। हाँ डालेंगे, क्यों कि कोरोना में बाहर घूम रहे हो? अरे सब मस्त है यार, वीडियो में सब अच्छा ही लगता है। बाय बाय। अब हम लोग यहाँ से चलेंगे, और जो है अब कैमरे का सेटअप काफ़ी हल्का हो गया जब मैंने वायर को मोड़ लिया है, और आई होप अब ये बढ़िया है। मतलब काफ़ी उलझा उलझा लगता था मुझे, ये बढ़िया सेटअप हो गया है। और अब जो है चल रहे हैं नदेसर, नदेसर से जो है हम लोग वापस आएंगे। तो सिद्धार्थ से हम लोगों ने मिल ली, थोड़ी मोड़ी बात कर ली, बहुत दिनों बाद सिद्धार्थ से मिला हूँ। इसके पापा को भी कोरोना हो गया था, लंग्स वाला, वो सही हो गया है और वो घर पे ही सही हो गया, हॉस्पिटल नहीं जाना पड़ा। जबकि उनका इन्फेक्शन जो था वो 25 पॉइंट में 16 पॉइंट था, जो कि कम नहीं था, सीवियर कंडीशन में उसको हम लोग कह सकते हैं। और ये अर्दली बाज़ार है, फेमस मार्केट है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है नॉर्मल टाइम में, बट देखिए अभी समय खाली, एकदम सन्नाटा है। और जो है यहाँ बगल में सीमेंटेड रोड बन रही है, काफ़ी बढ़िया, लेकिन थोड़ा ऊंची हो गई है रोड, तो इससे क्या होगा ना कि बहुत सारे लोगों की दुकानें नीची हो जाएंगी और उसमें पानी वगैरह जा सकता है। और ये बिग बाज़ार है, खुला हुआ है, बिग बाज़ार से तो हमें अभी कुछ लेना है नहीं। असली बनारस जो अगर मानेंगे तो वो ये वरुणा नदी से ही शुरू होता है, मतलब वरुणा नदी के उस पार से लेकर के 80 नदी पहले होती थी, अब तो वो नदी विलुप्त हो गई है, ख़त्म हो गई है। उस नदी तक, वरुणा से 80 तक के जगह को वाराणसी कहते थे। अभी हम लोग जैसे ही देखेंगे, ये पुल पार करेंगे ना, तो हमें वाराणसी 0 किलोमीटर लिखा हुआ यहाँ पे दिखाई देगा। ये बनारस का अपना आईफिल टावर, यानी अपना टीवी टावर, और यहाँ पर जो वाराणसी है यहाँ पर 0 किलोमीटर लिखा हुआ रहता है। अभी ये मिट गया है, देखिए यहाँ दारू ख़रीदने वालों की भीड़, लॉकडाउन में पीने वाले मस्त हैं, और जो नहीं पी रहा है वो हल्दी दूध से काम चला रहा है। अंदर हैं तो भैया जी, चलेंगे उनसे मिलेंगे। क्या हाल चाल है भैया जी? उसी की जगह तो ये आया है, मतलब पैसा आ गया है, दूसरी जगह से मंगाए। हाँ नहीं, क्यों दिक्कत होगा, इसी से काम चल रहा है। हाँ यहाँ ये है, हाँ अरे वीडियो डालते हैं, आप देखें हैं कि नहीं, हमसे जितना कर दो उतना करते हैं, ठीक है? अगर कहे तो उसको सब्सक्राइब करिए, सब्सक्राइब कर देते हैं बस। अरे टाइम पास क्या करिए, आजकल खाली भी रहते होंगे दिन भर, बाहर देखेंगे तब ना पता चलेगा। बहुत कुछ डालना है, कहीं घूमने फिरने गए, कुछ करने गए, घर का, द्वार का, मुहार का, पड़ोसी पड़ोसी सब। नहीं 50,000 कमा लेंगे तो यहाँ रहे, आपके मीठे पान का एक दिन वीडियो बनाना, मीठे पान का आज नहीं, जब लॉकडाउन खत्म हो जाएगा तब, नहीं बड़ा डांटेंगे सब। अरे अभी डालेंगे तो घर वाले डांटेंगे, घूम रहे हो कोरोना में। पहले बताएंगे, पहले बताएंगे, दो चार खाने वालों को लेके आएंगे। चलिए लॉकडाउन खत्म हो जाए तो चला जाए सीडी, अब कैमरा ले लिया अब चलेंगे। चलो 70% का व्यवस्था हम कर देंगे।
हम सोचते हैं जब जाना ही तो दो दिन के लिए क्या जाए, एक दो दिन और बढ़ा के मुंबई मुंबई भी घूम के आए। भीमा शंकर चलने का मेरा बड़ा मन है, भीमा शंकर चलना जाएगा भैया, भीमा शंकर वहाँ हम गए नहीं, लेकिन जो गया है ना बड़ा तारीफ करता है भीमा शंकर का, भीमा शंकर का जो गया तारीफ करता है। हम नहीं गए, मेरा भाई गया है, मैं पापा मम्मी सब लोग गया है। चला जाएगा भैया चला जाएगा, अब ट्रैवल डायरी बनाना है। मुंबई जाए, मुंबई से भैया ले ले जूम कार, नहीं नहीं मुंबई से जूम कार मिलता है सेल्फ ड्राइविंग वाला, और चार पांच लोग जाइए तो बहुत सस्ता पड़ेगा, और फिर वहीं से जूम कार ले ले बाय रोड दबा दे, फिर वापस आके मुंबई में कार छोड़ के ट्रेन प्लेन जो भी है पकड़ के वापस। बल्कि हाँ तुरंत निकल जाए, हाँ वो एयरपोर्ट पे ही, एयरपोर्ट पे ही गाड़ी मिल जाएगा। अरे हमारे जैसा रहेगा तो अकेले ही जाप देगा, कोई दिक्कत नहीं है, अभी जोश आई है। हम तो भैया अपना तैयारी कर लिए, कैमरा खरीद लिए, एक और कैमरा लेना है DSLR, और दुबई दिसंबर में जाना है, दिसंबर में दुबई जाना है। देखिए आगे लिखवाए हम, अरे हो जाएंगे भैया, चलिए ना जूम कार बुक करेंगे भगवान का आशीर्वाद। 12 बजे के बाद तो सब बंद हो जा रहा है। देखिए आगे लिखवाएं अपने गाड़ी पे चैनल का नाम, जैसे लड़के बच्चे जो रहते हैं YouTube चलाते हैं ना, सब जानते हैं, जब कैमरा देखते हैं तो सोचते हैं, तो फिर इसको देखकर खोलते भी होंगे। इसमें लपेटे इसका दूसरा हेलमेट ही आता है ना, ये तो माइक है ना, ये तो इसमें लगा है, इसको ऐसे क्लिप है निकाल देंगे निकल जाएगा। क्लिप है। हाँ ये तो चिपका है ये चीज़, ये यहाँ ये, हाँ ये क्लिप है नीचे, बस बेल्ट की तरह नहीं, बेल्ट ऐसे सट से बंद होता है, वैसे नीचे से दबाएंगे निकल जाएगा। फोटो भी क्लिक कर सकते हो? कुछ भी, इसका बहुत बड़ा व्यू आता है, मतलब मोबाइल में अगर इतना आएगा ना तो इसमें इतना आएगा। ये अपने आप कवर कर लेते, और इसका है ना कि हिलेगा डूलेगा नहीं, आज ये वीडियो डालेंगे देखिएगा। हाँ चलिए ठीक है, फिर चलते हैं ना, ठीक है बाय बाय। तो ये नदेसर था, और ये थे हमारे बच्चा भैया, और अगर हम आपको थोड़ा कैंटोनमेंट घुमा दे क्या, कैंटोनमेंट बनारस का बहुत ही ब्यूटीफुल है, ब्यूटीफुल। चलो कैंटोनमेंट घुमाते हुए घर से निकल चलेंगे। टाउन है, वैभव है, मैरिडन ग्रैंड है, एंड होटल इंडिया, जिसमें से होटल इंडिया मैरिडन ग्रैंड बेस्ट है इस लाइन में, और इधर इनकी पार्किंग है, सामने रेलवे स्टेशन आ जाता है बनारस का, वाराणसी जंक्शन का पीछे का हिस्सा प्लेटफॉर्म नंबर 9, और ये एयरफोर्स का सिलेक्शन सेंटर है SSB जहाँ पर होता है, और ये है चर्च, बनारस का फेमस चर्च, यहाँ पर 25 दिसंबर को मेला लगता है, और देख सकते हैं आप काफ़ी खूबसूरत बना हुआ है। तो कैंटोनमेंट में बनारस के जो भी बनारस के सबसे बड़े और सबसे फेमस होटल हैं, एक तो जहाँ पर हम लोग पान वाले भैया थे वहाँ पर है बनारस का सबसे अच्छा और सबसे महंगा होटल ताज पैलेस, अरे ताज गंगेज, सॉरी पैलेस नहीं है, ताज गंगेज। उसके बाद ये आपका होटल इंडिया मैरिटाइम ग्रैंड था, और इन सबसे भी जो अपर ग्रेड के अस्पताल कह रहा हूँ मैं, होटल्स मतलब इंडिया होटल के ऊपर के और ताज गंगेज के नीचे के ढेर सारे होटल्स जो है आपको इधर आगे एक लाइन से मिलेंगे, एक लाइन से। कैंटोनमेंट में नेहरू पार्क है, तो अगर आप अभी बनारस आ रहे हैं और आप बेस्ट होटल्स को खोज रहे हैं तो आप कैंटोनमेंट के होटल्स को प्रिफर कर सकते हैं। जो फ्रंट रोड पर हैं वो सब सारे 4 स्टार के आसपास होटल होंगे, 3 स्टार 4 स्टार, बट जो अंदर के होटल्स हैं, मतलब अगर आपको सस्ते होटल्स चाहिए तो आप अंदर में, जैसे कि फ्रंट से जब आप अंदर में थोड़ा चले जाएंगे 100-200-500 मीटर, तो आपको वहाँ पर 1000 रुपये 1200-1500 रुपये में भी बढ़िया बढ़िया होटल्स मिल जाएंगे, जिनके रूम्स अच्छे होंगे, AC TV सब लगा होगा। तो इधर मैं पहले रहता था, उधर नहीं चलेंगे। ये होटल डिपेरिस है, ये सब फ़िलहाल छावनी के अंदर आता है, और
इसमें सिर्फ शादियों के लिए बुकिंग होती है, प्लस पीछे बैंक वैंक रेंट पे चलता है, बाकी होटल यहाँ पर नहीं है, आप यहाँ रूम नहीं ले सकते। ये बनारस का मॉल GHB मतलब फेमस मॉलों में से एक है, और इसी में पीछे है रमाडा प्लाजा, रमाडा जो फ्रेंचाइजी लिया हुआ है इन्होंने ही GHB वालों ने। ये होटल क्लार्क, और फिर उसके आगे है ये है मादिन, मादिन ये भी सबसे नए होटलों में से है, मतलब जो इधर सबसे नए में बने हैं मादिन। उसके बाद है ये अमाया और रविदास, रिवातास, तो रिवातास और अमाया ये दोनों एक ही व्यक्ति का है। ये वॉल्वो XC60 गाड़ी खड़ी है यहाँ पर। ये है होटल रेडिशन, ये बहुत पुराना है, जब हम लोग छोटे छोटे थे स्कूल जाते थे तब ये बन रहा था। और उसके बाद ये जो होटल जिरास है ये रेडिशन से भी पुराना है, लेकिन ये बीच में बनना, इसमें बंद हो गया था काम, इसमें रुक गया था, फाइनेंशियल वगैरह प्रॉब्लम रही होगी या कोई और प्रॉब्लम रही होगी, फिर बाद में सॉर्ट आउट हुई, तो कई सालों बाद ये फिर कंप्लीट हुआ और चालू हुआ। और फिर हम लोग आ गए वरुणा पुल, और वरुणा पुल से अब हम लोग चलेंगे अपने घर की तरफ भोजूवीर। ये वरुणा नदी है, देख सकते हैं काफ़ी पानी कम हो गया है, गंगा नदी में भी पानी कम है इसीलिए इसमें भी पानी एकदम कम हो गया है। और ये वरुणा कॉरिडोर समाजवादी पार्टी सरकार ने बनाना शुरू किया था, ये पूरे 10 किलोमीटर क्या है कि नदी के किनारे किनारे सुंदरीकरण होगा, वॉकिंग ट्रैक्स बनेंगे, गार्डन बनेंगे, साइकिलिंग ट्रैक बनेगा, और बाई नाव आप यहाँ से गंगा जी दशाश्वमेध घाट जहाँ पर आरती होती है, मणिकर्णिका घाट, यहाँ सब आप जा सकते हैं। मणिकर्णिका घाट के बारे में आप लोगों ने सुना ही होगा, वहाँ पर मतलब वो शमशान घाट है एक तरीके से, और वहाँ पर लाशें जलती रहती हैं, और लोग कहते हैं कि बहुत पुराने समय से ही मतलब कई हज़ार सालों से वहाँ पर लगातार चिताएं जलती आई हैं, और वहाँ का आग कभी बुझा नहीं, मतलब ऐसा कभी हुआ नहीं है कि वहाँ किसी टाइम कोई चिता न जल रही हो, महाशमशान कहा जाता है उसको। और वहाँ पर एक शमशान में होली भी होती है, जब होली आती है ना तो शंकर भगवान का पूरा गेटअप ले करके कुछ लोग होली वगैरह भी खेलते हैं, मतलब कैसे खेलते हैं, जो लाश के जो वो होता है जिसको क्या बोलते हैं राख, उसी राखी इसको उड़ा उड़ा करके एकदम खेलते हैं। अगर आप महाशमशान की होली सर्च करेंगे तो यूट्यूब पर आपको मिल जाएगा, प्लस अगर नेक्स्ट ईयर ऐसा कुछ हर साल होता है, नेक्स्ट ईयर अगर मैं बनारस में रहा तो मैं ज़रूर आपको दिखाऊंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बने रहें, आपको बहुत सारी इंटरेस्टिंग घूमने वाली जगहें के बारे में मैं इस चैनल पे डालता रहूंगा, आपको मिलेगी और आई होप वो आपको पसंद आएगी। तो ये तहसील है यहाँ बनारस की, आप ये भी देख लीजिए, आज तो आपका बनारस का आधा टूर तो मैंने करा ही दिया है। और यहाँ से हम लोग भी घूमेंगे और भोजूवीर होते हुए चले चलेंगे घर। यहाँ पर बगल में ही यूपी कॉलेज है जिसका मैंने टूर दिया था आप लोगों को, यूपी कॉलेज टूर अगर आपको देखना हो तो आप वो वीडियो जाके देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में वीडियो वाले में होगा। उस पर बहुत अच्छे रिस्पांस आए हैं, यूपी कॉलेज से पढ़े हुए बहुत सारे लोगों ने उस वीडियो को देखा है, लगभग 1500 के ज़्यादा व्यू उस पर आ चुके हैं, क्या पता 1600 भी हो गए हों, और मुझे लगता है उसमें 25-30 हज़ार व्यूज़ आराम से आ जाएंगे। तो ये सामने आप बोर्ड देख रहे हैं उदय प्रताप कॉलेज का, नीचे भोजूवीर बाबा मंदिर है, तो जाम लग जाता है भाई अभी भी। सोचिए जब नॉर्मल डेज में जब सब कुछ अनलॉक रहता है, सारे लोग रोड पर आते हैं बिना किसी डर के, तो यहाँ क्या हाल होता होगा ट्रैफिक का। देखिए अंकल जी मास्क लगाए हुए हैं, नाक खुली हुई है, फ़ायदा क्या, बेचारे बुजुर्ग भी हैं। तो ये मोटो ब्लॉगिंग आपको कैसी लगी, ये पूरी प्योर मोटो ब्लॉगिंग है, आपको कैसी लगी आप बताइएगा। और मम्मी का दवा लेना है, वो अभी आगे अगर आ गई होगी तो उसको ले लेते हैं, क्योंकि वो इम्पॉर्टेंट है, स्किन एलर्जी की है, नहीं खाती हैं तो उनको रैसेस हो जाते हैं, पता नहीं कहाँ से उनको प्रॉब्लम हो गई। एक दवा बोले थे लाए हैं,
रोडोवा रिकॉर्ड कर लेते हैं, क्या करना है। हाँ यूट्यूब पे डालते, देखियो चैनल का नाम लिखा है। हाँ आगे दो भी लगा है। हाँ कह रहे हैं दोहिया मेरा लाए हैं भैया, एक ही है पत्ता। कितने का है इसका MRP? 90 है। मिला, चैनल खोज रहे हैं मेरा, मेरा चैनल खोज रहे हैं, पहचान में आ रहे ना हम। UP कॉलेज का है, अरे उसमें 1500 से ज़्यादा व्यू है। अरे मेरा एक और चैनल है उस पर 18,000 सब्सक्राइबर्स है, लेकिन वो एजुकेशनल चैनल है। चलिए हम कर दिए पेमेंट 77। हाँ कह दीजिएगा ले जरूर आएंगे। आज आपका वीडियो डालेंगे देखिएगा। तो देखिए फायदा होता है, कैमरा लगा रहता है, लोग देखते हैं, पूछते हैं क्या है, क्यों है, कैसे है, और इंटरेस्ट से चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं, और वो हमें वॉच टाइम भी देंगे हमारा पूरा वीडियो देख के। तो इसे कहते हैं मार्केटिंग यूट्यूब की, कुछ तो दिखाना पड़ेगा तभी ना लोग देखेंगे और पूछेंगे और जानेंगे। तो 1 सब्सक्राइबर्स बढ़ाना है मैंने आज। तो दोस्तों आज का ये वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। उम्मीद है आप लोगों को ये पसंद आया होगी मोटो ब्लॉगिंग आपको कैसी लगती है, अच्छी बेकार जो भी लगती है आप कमेंट में बता सकते हैं। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, धन्यवाद, भारत की जय, जय हिंद।